सिद्धाणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयरियाणम् ॐ नमो आयरियाणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् ॐ नमो हरिहन्ताणम् ॐ नमो हरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयरियाणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयरियाणम् ॐ नमो आयरियाणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् ॐ नमो हरिहन्ताणम् ॐ नमो हरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयरियाणम् ॐ नमो सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः भर्गो हरिहन्ता पंचपरमेश्वर भगवान देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान चारु चक्र राजा श्री शांति सागर जी महाराज आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज यह जगत कर्म से प्रेरित होकर अनादिकाल से संसार में संसारी प्राणी परिभ्रमण कर रहा है।
और इस संसार का अंत दिख नहीं रहा है और दिख भी नहीं सकता है, और इस संसार में इस जीव ने 84 लाख योनि में परिभ्रमण करते करते अनंत काल निकल गया है। मनुष्य गति, देव गति, नरक गति और तिरिंज गतियों में इन्होंने अपना समय व्यतीत किया है। देव गति में गया, विषयों के आसक्त हो गया। तिरिंज गति में गया, ज्ञान समीचीन नहीं हो पाया। नरक गति में गया, वेदनाओं को सहन करता है। और मनुष्य भाव एक ऐसा है कि दोनों काम कर सकते हैं, हम दुख को भी प्राप्त कर सकते हैं, सुख को भी प्राप्त कर सकते हैं, वेदनाओं को सहन कर सकते हैं और विषयों को भोग सकते हैं। इन लोगों के साथ, तीन गतियों के साथ अलग अलग शब्द जोड़ा जाता है, लेकिन मनुष्य का ऐसा है, स्वतंत्रता है उसको, वो सब कर सकता है, विषयों में रह सकता है, अज्ञान के साथ भी रह सकता है, ज्ञान के साथ भी रह सकता है, यातनाओं को सहन भी कर सकता है, उससे ऊपर भी उठ सकता है। और इन चार गतियों में धर्म का योग्य एक ही जीव है और वह है मनुष्य भाव, क्योंकि आचार्य ने इसलिए बताया कि अन्य गतियों का जब हम गुणस्थान से चर्चा करते हैं तो बस तिरिंज गति, देव गति और वह नरक गति, नरक गति का जीव चार गुणस्थान के ऊपर नहीं जाता, देव चार गुणस्थान के ऊपर नहीं जाता, तिरिंज 5 गुणस्थान के ऊपर नहीं जाता, लेकिन मनुष्य बस पहले से लेकर 14 तक जा सकता है। उसको फुल सब जो चाहे, यानी क्या बोलते हो, नेशनल परमिट है उनके पास, हाँ उसी राज्य में नहीं कहीं पर भी जा सकता है। और ये भी बात है, जैसे काम करेगा वैसे उसको भेजा जाएगा, तो इसीलिए मनुष्य भाव है। आचार्यों की, हमारे भगवानों की वाणी को जब उनके हम सूत्र मिलते हैं, जीवन का मूल्य हम समझने लगते हैं, उनके एक एक शब्द हमें दिशा दर्शक हो जाता है। भटका हुआ व्यक्ति को कोई व्यक्ति मिल जाता है जंगल में और वह उसको मालूम हो जाता है कि अब रास्ता मिल गया, कहीं दिनों से मैं भटक रहा था। जैसे जहाज को कई सालों तक वह जहाज समुद्र में घूम रहा था लेकिन दिशा नहीं मिली थी, ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे जहाज के लिए जब दिशा का ज्ञान होता है तो जो आनंद आता है वह आनंद मनुष्य भाव में और हमारे आचरण के बल द्वारा, बताए सूत्रों के द्वारा में प्राप्त हो जाता है। भजन गाते हैं, भोजन भी करते हैं, जिनवाणी पढ़ते हैं, लेकिन जब शब्द बोलते हैं शब्द के बाद हम अर्थ की ओर जाना चाहिए, अर्थ के बाद भाव तक तो पहुंचेंगे, तब तो वह भजन और वह जिनवाणी कार्यकारी हो जाती है, नहीं तो नहीं हो जाती। वाचन तो सब करते हैं लेकिन पाचन बहुत कम लोग करते हैं। भोजन बहुत अच्छे रसगुल्ला खाते हैं लेकिन पचता कितने लोगों को। खाना हमारा है लेकिन पचने का काम जठराग्नि के पास है। तो व्यक्ति चिंतन जब करता है, जब अर्थ शब्द अर्थ और भाव तक पहुंच जाता है तब जाकर वो ऊपर उठ जाता है। एक भजन सुना था हमने, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहा जो सोवत है। छोटी सी दो लाइन है, आप कहेंगे क्या है इसमें, कुछ भी नहीं, सब कुछ है इसी में। क्या उठ जाग मुसाफिर,
हे मुसाफिर उठ जा, और भोर भई है, अब रैन कहा जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो यहां मुसाफिर कौन, यहां सवेरा किसको कहा, और यहां रात रैन कहा, यानी रात गई किसको कहा, और सोना किसको कहा। एक एक शब्द के ऊपर जब चिंतन करते, गांधी जी ने इसके ऊपर अपने चिंतन एक जगह लिखा है कि उठ जाग मुसाफिर भोर बहे, अब रैन कहा जो सोवत है। इस छोटी सी लाइन पर गांधी जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। वो कहते हैं मुसाफिर कौन, जितने हम संसारी जीव है सब मुसाफिर है, जिसको बोलते यात्री। हम यात्री है क्योंकि अनादिकाल से चलते आ रहे हैं, और अनादिकाल तक हमें चलना है। नहीं, ये बात है कि चले हैं लेकिन आगे रुक सकते, लेकिन अभी तक हम चलते आए, तो मुसाफिर जीव मात्र है। और सवेरा क्या है कि आत्मा का ज्ञान हमें हुआ है क्या नहीं, ये है सवेरा। और रात गई, क्या हम सुबह उठ गए हैं क्या नहीं। अभी रात कहने से आराम की ओर हम चले जाते हैं, लेकिन वह रात है कि अनादिकाल से हमारी वो रात निकल गई क्या नहीं। आप तो कहेंगे महाराज हम तो उजाले में बैठे हैं, अब पता पड़ेगा कि आप उजाले में क्या अंधेरे में। क्या रात आपके जीवन से निकल गई है, और सोना क्या है, और सोना है पाप। जो व्यक्ति सोया है वह, जिसका जीव पापमय है वह सोया है। और इसीलिए आज अपने को जानना है कि जो सोवत है वह खोवत है, जो जागत है वह पावत है। सोने वाला खोता जाता है, जागने वाला पाता जाता है। तो इसलिए आज तीन शब्दों के ऊपर ज्यादा अपने को सोचना है। आज हमें सब लोगों को, सब लोगों के लिए हमारा कहना है उठो, खड़े नहीं होना, उठो जागो और जानो। क्या उठो, कहाँ जागो और क्या जानो। तो कहते हैं कि हम निद्रा में बेशुद्ध अवस्था में ही सो रहे हैं, उसको त्याग करके पहला जग जाओ। मोह रूपी मोह महामद पियो अनादि, मोह रूपी मदिरा हमने पिया है, इसीलिए कहा जा रहा है पहला उठो। कितने लोग उठेंगे हाथ ऊपर करो, कितने उठेंगे बताओ। मोह रूपी मदिरा अनादिकाल से पी रहे, ये मदिरा पिया हुआ एक 24 घंटे में उतर जाता है। यहाँ सब बैठे हुए ये शराबी लोगों के लिए हमारे कहना है, लोग कहेंगे क्या महाराज कह रहे, मंदिर में बैठे हो शराबी कह रहे। हाँ, हम भी शराबी है, आप ही सिर्फ नहीं। क्यों, क्योंकि मोह रूपी जो मदिरा पीता है वही अनादिकाल से भटक रहा है। सब लोगों ने पिया है मदिरा, कौन सी, मोह रूपी, जो शाम को पीते हैं लोग, एक 5 घंटे में उतर भी जाता है, लेकिन हमारे मोह मदिरा अभी तो उतरी ही नहीं। तो ऐसे मोह रूपी मदिरा से हमें जगना है, और बाद में क्या कहना है, उठो जागो। आंख खोल के क्या करना है, विवेक से जागृत होना है हमें। उठते हैं जागे हैं लेकिन आंखें नहीं खोली हमने, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं ना, छोटे बच्चे को क्या कहते, कहीं जाना है तो उठो जल्दी, वो उठता नहीं, तो क्या करती माँ उसको बिठाती है, बिठाने के बाद और ऐसा करता है,
करता है कि नहीं करता, वैसे हमारा काम नहीं। हम उठे भी हैं तो भी विवेक हमने प्राप्त नहीं किया अभी तक, और उस विवेक को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, आँखों को खोल के विवेक को जागृत। विवेक किसको कहते हैं? हे उपाधि का ज्ञान जिसको होता है उसको विवेक कहते हैं। हे अने छोड़ने योग्य, उपाधि यानी ग्रहण करने योग्य, क्या छोड़ना और क्या ग्रहण करना इसका विवेक हमारे पास आना चाहिए। नील क्षीर का ज्ञान हमें होना चाहिए, तब कहा जाता है कि विवेक। और क्या करो, उठो जागो और जानो। अब हमें जानना है तो हम किसके पास जाए? हम तो कहा जाता है जिन्होंने जान लिया है अपने जीवन को या आत्म तत्व को प्राप्त किया है उसके पास आप चले जाओ, तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं किस निमित्त से आया हूँ और मेरा स्वरूप क्या है। ये जानने के लिए हमें उनके पास जाना पड़ेगा कि वह सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में जाना पड़ेगा। और विवेक को प्राप्त होने के बाद अगर हम जाएंगे नहीं, पहुंचेंगे नहीं, तो आपने क्या जाना है? तो सच्चे देवगुरु शास्त्र के जब चरणों में जाते हैं तब जीवन का लक्ष्य का बोध हो जाता है। देवगुरु शास्त्र के चरणों में जाने के बाद जीवन का लक्ष्य किसने तय किया है अभी तक? आप लोग जी रहे क्या, जीना पड़ रहा है? जीना पड़ रहा है इनको, इसका मतलब है कि हमने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया। हमें जीना है और जीता वही व्यक्ति को जीवन का लक्ष्य सामने रखता है, तो इसलिए हम उनके चरणों में जाना चाहिए। और वहां जाने के बाद हमें ज्ञान हो जाएगा कि हम उठना है, जाओ और जाओ उनके चरणों में चले जाओ जो आपको आत्मा का बोध प्राप्त कर सके। हम चले गए सबके पास, स्कूल गए, 15वीं 16वीं क्लास तक उन्होंने सिखाया क्या, जड़ का वस्तु का स्वरूप बताया, वह कैसे बनाना इतना सिखाया। खेत गए, खेत का काम किया, सर्विस किए, महीना के पैसा गए लेकर आ गए, डॉक्टर हो गए, चेक करते रहे, पैसे लेते रहे, लेकिन एक ज्ञान नहीं हुआ और वह आत्मबोध हुआ नहीं हमें। और उस आत्मतत्व को जानना है तो जिन्होंने आत्मतत्व को प्राप्त किया है उनके पास जाना चाहिए, मार्गदर्शन उनसे लेना चाहिए जिन्होंने मार्ग को तय किया है। कई लोगों को कल्याण की भावना हो जाती है और घर में पूछ लेते नंग ज्ञान माड़ देते नंग संयम धारण माड़ बेको मत विचार मणि बिड़क बेको बिड़ो देते नम, तो कहेंगे उसमें कुछ नहीं यहीं रह जाओ। क्यों कहेंगे? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। मार्गदर्शन उससे लेना चाहिए जिन्होंने उस मार्ग को तय किया है, जाना है, और जो मार्ग को नहीं जानता उसको आप क्या पूछेंगे? नहीं पूछ सकते, और वो पूछेंगे भी उत्तर नहीं आ सकता, तो वो कहेंगे इल्ले छोले नींद यही अच्छा है, वहां कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वाद आया नहीं उधर का। तो इसीलिए उठो जागो और जानो अपने को, और जानने के लिए हमें उस सच्चे देवगुरु शास्त्र के पास हम जाएंगे तब हमें जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। हम देखते हैं कि रात को पहला सुनते थे हम जब छोटे थे, क्या होता था कि मार्केट में कहते थे लोग क्या, जागते रहो, कहते थे क्या? जो रात को ड्यूटी करता है वो कहता था जागते रहो, अरे हम तो सोना चाहते हो, जो कहते जागते रहो, क्या क्यों किसी
तो इसलिए कहा है जागते रहो, इसलिए रहो कि चोर ना आ जाए। हमने इतना जाना कौन से चोर, हमारा पैसा वो न लुटा दे, इसलिए हमने जान लिया। लेकिन आचार्य ने भी कहा क्या, जागते रहो, क्या कहा, कर्म चोर आपको लूट रहा है। और आपकी सबसे बड़ी संपत्ति लूटता जा रहा है और आप तिजोरी की सुरक्षा कर रहे हैं। तिजोरी में जो पैसा है उसकी तो सुरक्षा कर रहे, लेकिन वह आत्म तत्व की सुरक्षा हमने कब किया है? और उस आत्म तत्व की सुरक्षा करने के लिए हमें भी जागते रहना चाहिए। मैं आज ये प्रवचन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अष्टमी के दिन की बात है यहाँ की। रात को 1:30 होगा, बहुत आवाज हो रहा था, तो बाद में एक दो बार और जग गए, और भी आवाज हो रहा था। हमने कहा शुरूपी में आज रात को क्या हो रहा है, तो सुबह हमने पूछा ये यहाँ नटित रात्रि आगा, तो उन्होंने कहा हमारा जागरण ही था। तो हमने सोचा अरे ये तो बहुत अच्छा है, इन लोगों ने काम किया, जागरण किया, अने हमें लगा बहुत बड़ा काम किया होगा इन्होंने। रात को आवाज आ रहा था, कई भजनों का आ रहा था और कई बर्तनों का भी आ रहा था। तो हमने सोचा कि सुबह पूछेंगे रात को क्या हो रहा था। तो सुबह जब बाहर जब जा रहा था, एक दो व्यक्ति को पूछा हमने रात को शुरूपी में क्या हो रहा था, बहुत आवाज, रात को लोग सोए नहीं थे क्या शुरूपी के? हम तो सो गए थे, क्योंकि हम ही बताते तो हम ही जागरण कर लेते थे। लेकिन किसी ने नहीं बताया, और इन सोलह लोगों ने सबने जागरण किया। तो हमने पूछा जागरण ज्ञान रहती थी क्या होता है, तो क्या बता, मराठी से कहावत है रात भर जागला नहीं कांदा भाकरी खाला। हमें लगा कि रात भर ये भजन करते होंगे, कीर्तन करते होंगे और कुछ करते होंगे, और बड़े बड़े विद्वानों को बोलकर प्रवचन करते होंगे, सुनते होंगे। लेकिन सुबह पता चल गया हमें क्या, जागते रहो, जागरण किया उन्होंने। क्या जागरण किया, सप्त व्यसनों को किया उसने। सबसे ज्यादा पाप उसी दिन किया। और जागरण का उद्देश्य क्या है, और आपने सबसे ज्यादा पाप उसी दिन किया, ये आपका दशहरा है। दुर्भाग्य है आप लोगों का। हमने सुना कि मारुति मंदिर में जितने मंदिर है, मंदिर में टोली टोली बैठ जाती है, जुआ खेलते हैं, क्या नहीं करते, सप्त व्यसन करते हैं जागरण के दिन, और सबसे ज्यादा पाप कमाते हैं। मैं बताऊंगा विषय आगे। हमें याद रखना है जागरण क्या होता है। जागरण में सावधान रहा जाता है, जागरण में हम पाप से बचे, जागरण में हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का सोचना चाहिए, और जागरण करके सबसे बड़ा पाप कमा के इस जीव ने, और हमने सुना था सबसे बड़ा केंद्र यही है, और यही से बाकी के गांव वालों ने सीख लिया, यह है जागरण। और आचार्यों ने भी कहा है उठो जागो जानो, क्या जाना आप लोगों ने। तो इसीलिए हमें जागना है, और जागने वाला व्यक्ति को सुख मिलता है, और सुख का आधार मूल बताया सुखस्य मूलम धर्मम। सुख का मूल क्या है, और धर्म है, और अधर्म से बचना यही धर्म है। और इसलिए धर्म करने से पहले अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। जिस तरह खेत में कुछ बोना है, बोने से पहले उस खेत को हम साफ करते और उसमें जो कूड़ा कचरा जितना रहता है वह सब निकाल देते, और बाद में उसमें क्या बीज का वपन करते हैं, और करने के बाद फसल आती है।
तो उसी तरह जीवन को पवित्र बनाना है, पहला उसके लिए विषय कषाय और सप्त व्यसनों का जब तक त्याग नहीं होगा तब तक आप उस सुख तीन काल में नहीं मिल सकता। और इस सप्त व्यसनों को आज हमें जानना है। आज अब मैं सुनता हूँ कि मैं जब सुबह जाता हूँ देखता हूँ खेत में कितना यहाँ कसा कसा बढ़ कितना कसा आ गया, यानी कितनी पूरा खेत क्या हुआ है, सब हरियाली हरियाली हुआ है। और किसान चिंतित है पानी कब बंद हो जाता है कब निकलते, जितना लेट होगा उतना ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, चिंतित है। लेकिन अपने जीवन का क्षेत्र में जो व्यसन और कशा है उसको निकालने के लिए चिंता नहीं। इसको कभी सोचा है उस खेती के बारे में तो बार बार सोचता है और कहता है कि जल्दी घात आ जाए और क्या हो जाए कि कम खर्चा में सब कसा निकल जाए, वो हरियाली निकल जाए और हमारा खेत साफ सुथरा करेंगे। लेकिन आचार्य कहते हैं क्या आपके जीवन क्षेत्र का जो खेत है उसको कभी साफ किया है आपने? व्यसन रूपी वे इतनी गंदगी आपके खेत में भरी हुई है, विषय कषाय की भरी है और उसको हमें निकालना है। तो इसीलिए जीवन रूपी खेत को जब तक हम साफ नहीं करते तब तक धर्म रूपी वहाँ बीज अंकुरित नहीं हो सकता। और जीवन को पवित्र बनाना, धर्म को प्राप्त करना है तो पहला जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। और जिस दिन हमारा जीवन पवित्र बनेगा यानी वो खेती योग्य बनेगी तब कार्य हो सकता है। और इसीलिए आचार्य ने कहा है पद्मनंदी पंचमश्रुति में आचार्य कहते हैं कि व्यसति प्रत्यावर्ती पोषण श्रेयस इति व्यसनम, जो मनुष्य को आत्म कल्याण से विमुख करता है उसको व्यसन कहते हैं। व्यसनी व्यक्ति कभी आत्मा का कल्याण करके ले नहीं सकता और इसीलिए और उसके लिए व्यसन बताए हमारे आचार्य ने साथ कि धृत मांस सुरा वेशा खेट चौर परांगना महापापा ने सप्ते थे व्यसना ने तजे बुधा। वो कहते हैं विद्वानों को बता रहे हे बुद्धिमान इसको तजो, क्या जुआ खेलना बंद करो, मांस खाना बंद करो, शराब मत पियो, वेशागमन मत करो, चोरी मत करना, शिकार नहीं खेलना और परस्त्री सेवन का त्याग करो। सप्त व्यसनों को जानना है और इस सपनों में इस व्यसनों में कितना समाज सबसे ज्यादा पैसा जिसके पास है वो सबसे ज्यादा व्यसनी बनता जा रहा है। और ये महापाप बताया आचार्यों ने। और याद रखना जो महापाप करता है वो कभी ऊपर नहीं उठता। विष कहा है इसको और विष का प्राशन करने वाला व्यक्ति जीता नहीं, उसको कहा जाता है कि विष पीता जाता। और ये विष ये सप्त व्यसन विष कहते जहर बताया तो भी व्यक्ति पीता जा रहा है और जहर पीने वाला व्यक्ति बचेगा नहीं। तो ऐसे ही वे व्यसनों को महापाप माना है। और इससे जो व्यक्ति जितना जल्दी उठे, अगर एक बार व्यक्ति को यह पता चल जाता है जहर है तो छोड़ना चाहिए। अगर यह जहर है मानकर भी वो पीता है, जहर कहा तो भी पीता है तो उसको कहा जाता है आत्महत्या कर रहा है। क्या कर रहा है? जो व्यक्ति व्यसनी है वो समझ लेना आत्महत्या कर रहा है। और इसीलिए सप्त व्यसनों से बचने के लिए हमें हर समय याद रखना है कि इसको विषय विष की संज्ञा दी है हमारे आचार्यों ने, महापाप का है और उसमें पहला हमें जुआ खेलना बंद करना चाहिए। जुआ कहते हैं ये निंदा का स्थान है, ये अपत्यों का स्थान है। और आचार्य ने बहुत अच्छा शब्द पाप बीजम। जुआ क्या है? जिसको बोलते जुगाड़। इसको क्या कहा है कि पाप का बीज है और इस पाप के बीज से उठकर और आके आगे कहते
कि नरक को लेके जाने वाला ये दरवाजा है। और ऐसे जब हम जुआ शब्द आता है तो हमारा मन वहां जाता है, हमारा लक्ष्य वहां जाता है, कहां वे महाभारत की ओर जाता है, वे युधिष्ठिर की ओर चला जाता है। क्योंकि धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 बच्चे थे और पांडु के कितने थे, 5 थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। तो ये 5 पांडव और कौरव 100, इनमें जब पांडु का स्वर्गस्थ हो जाता है और होने के बाद दोनों में राज्य के लिए जब विवाद झगड़ा हो जाता है तो उसमें जुआ खेलने के लिए बैठ जाते, और बैठने के बाद जुआ खेलते खेलते सब संपत्ति समाप्त हो जाती है। दुर्योधन छल के साथ खेल रहा है, वो कहता है और रखो क्या है आपके पास, युधिष्ठिर कहते कुछ नहीं हमारे पास, वो कहते है आपके पास और। और बाद में जुआ में समस्त संपत्ति लगाने के बाद में द्रौपदी को भी रखा जाता है। ये महाभारत की बात है, महापुरुषों ने गलती किया, उनको क्या क्या करना पड़ा। अगर आप जुआ खेलते और हमें कहना है इन लोगों से बचना, जैसे उन लोगों ने लगाया आपको भी कभी लगा सकते जुआ में। जब युधिष्ठिर इन लोगों ने आगे पीछे नहीं देखा, द्रौपदी को लगा दिया दांव पर, और ये होने के बाद भी दुर्योधन तो भी नहीं छोड़ा और उसका चीर हरण करने के लिए बैठ गया था। क्या कुरु वंश की कितनी कृति को कलंक लगाया उन्होंने, किसके पीछे, जुआ, कुछ नहीं, छोटी सी बातों को लेकर ईर्ष्या पर व्यक्ति पड़ जाता है। मैं जीतूंगा जीतूंगा कहता है, सब डालता जाता है। बाद में अपनी पत्नी को भी रखता है वहां ही लोग। ऐसे लोग जब ये कर सकते तो क्या ये लोग नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए सावधान होना इन लोगों से कि कुरुवंश के कीर्ति के लिए कलंक बन गया हो, और वह कलंक अभी तक हम चर्चे का विषय अभी भी हम प्रवचन में लेते हैं। कब हो गया महाभारत, कब हो गया, भगवान नेमिनाथ के तीर्थ में हुआ है, उस तीर्थ की घटना, उसके बाद पार्श्वनाथ भगवान हो गए, उसके बाद महावीर भगवान हो गए, और उनके तीर्थ में हम अंत के समय में चलने वाले हम पंचम काल के अंत में तो भी चर्चा करते उनके जुआ का। ये है अपकीर्ति कलंक का कारण है। तो इसीलिए जुआ से दूर होना चाहिए, और जो व्यक्ति जुआ खेलता याद रखना बेचते जाएंगे और अंत में खुद को भी बेच देंगे, और इसी के कारण अपकीर्ति हो जाती है, और इससे हर व्यक्ति को बचना चाहिए। और दूसरा है कि मांस, भगवान महावीर ने कहा है कि जीव और जीने दो। कुरान है, पुराण है, और चरित्र जितने भी है हम सब ने पढ़ते हैं कि सब धर्म का सार है अहिंसा। किसी ने हिंसा करने को नहीं कहा, और व्यक्ति अपने जीवा इंद्रिय के पीछे उस निरअपराध प्राणियों को मार के मांस खाता है। और इसीलिए धर्म के नाम के ऊपर भी सबसे ज्यादा हिंसा होती है, और प्राणियों को काटा जाता है। लेकिन याद रखना किसी भी धर्म ने नहीं कहा कि मांस यानी पशु को बलि दे दो और मांस को खाओ, किसी ने नहीं कहा। आचार्य कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, मौलवी कहता है, संत कहते हैं, कबीर कहते हैं, सब कहते हैं कि एक ही सबकी आवाज है कि शाकाहारी सबका उत्तम आहार है। और इसलिए अनुशासन पर्व में महाभारत में एक जगह लिखा है कि दूसरे का मांस खाकर अपना मांस को बढ़ाने की जो कोशिश करता है वह पापी है, वह निर्दयी माना है महाभारत के अनुशासन पर्व में। और वहां एक जगह मांस की व्याख्या बताते हुए कहा है कि मांस, मांग का अर्थ है दूसरा,
नहीं माँ सने माँ अने मुझको स ने वह क्या जिसको आज आप खा रहे वह आपको कल खाएगा। ये मांस की व्याख्या हिंदू समाज में एक शास्त्र में लिखा है। और रहीम ने भी बताया है, अल्लाह ने भी बताया है, उन्होंने कहा है जहां रहम रहता है वहां रहीम रहते हैं, जहां दया है वहां अल्लाह रहते हैं। और श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति पशुओं को मार के खाता है तो उसके ऊपर जितने रोम है उतने साल तक उसको पकाया जाएगा। मांस खाने वाले व्यक्ति के लिए बता जा रहा है कि वो कहते हैं यावंती पशु रोमानी पशु गात्रेशु भारत तावत वर्ष सहस्र ने पश्यंती पशु गात्र। जो व्यक्ति जिस पशु को मारता है उसके पशु के ऊपर जितने रोम है एक रोम के पीछे 100 साल इतने साल तक उसको पकाया जाएगा। और इसीलिए कहते मांस खाने वाला व्यक्ति राक्षस कहा जाता है। विज्ञान भी कहता है कि हमारा शरीर शाकाहार के योग्य है, हमें मांस नहीं खाना चाहिए और इसीलिए हमें मांस से दूर होना चाहिए। और कुरान में एक जगह लिखा है कि पवित्र वस्तु खाओ और नेक काम करो, वहाँ आयत नंबर 52 सूरत नंबर 23 में लिखा है। और हदीस में एक लिखता है कि कतले सिदर यानी किसी को मत काटो, क्योंकि वो कहते हैं अल्लाह चाहते हैं क्या बलि चाहते हैं अल्लाह किसकी, अहंकार का बलि दे दो, पशु का बलि नहीं माना है। और पशु पशु पक्षी को मार के जो खाता है उसका पेट, हजरत मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी उन्होंने लिखा है कि जो व्यक्ति मांस खाता है वह अपने पेट को कब्रिस्तान बना देता है। और इसीलिए हमें याद रखना है कि मांस नहीं खाना चाहिए। और हमारे कहना है जो व्यक्ति निवडणूक में खड़ा होता है इलेक्शन में खड़ा होता है और वह व्यक्ति दूसरों को मांस खिला के अगर वह निवडणूक में आता है तो सबसे कहा है कि संत कहते हैं सबसे बड़ा देश का द्रोही वो माना जाता है जो मांस को खिला के ऊपर आता है। और ऐसे मांस से हमें थोड़ा सा भी काटा लग जाता है माँ याद आती है। लेकिन जिसके सिर के ऊपर जिसके ऊपर सोरा चला देते हैं उसकी क्या स्थिति होती है। तो इसीलिए हमें वह अच्छा काम करना है और मांस से दूर होना है। और जो व्यक्ति मांस खाता है वह चलना समझ लेना वो चलता फिरता कब्रिस्तान है। जो व्यक्ति मांस खाता है वह क्या है चलता फिरता कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान तो गांव के बाहर रहता है लेकिन वहां मरने के बाद दफनाया जाता है और व्यक्ति मार के दफनाता है इसलिए वह चलता फिरता कब्रिस्तान है। और इसलिए याद रखना है जैसे हमें जीने का अधिकार है उसी तरह हर जीव को जीने का अधिकार। इसलिए भगवान महावीर ने कहा जीवो और जीने दो। इसीलिए मांस का त्याग होना चाहिए। और उसके बाद तीसरा बताया कि शराब, शराब का त्याग होना चाहिए क्योंकि घुट घुट में मौत है। क्या है एक एक घुट में मौत रहती है। और देशी हो या विदेशी हो जो पदार्थ तो सड़ाया जाता है सड़ा पानी को शराब कहा जाता है। जो पानी सड़ा हुआ रहता है क्योंकि उस पदार्थ को पहले सड़ाया जाता है और सड़ने के बाद वह एक पैकिंग आ जाता है उसको बस चेस क्या क्या हो गया सड़ा पानी पी रहे आप, ये सड़ा पानी है, सड़ा पानी को शराब कहा है। ऐसी शराब से वो बचे क्योंकि हम देखते हैं जिस परिवार में बोतल आती है उस परिवार की प्रतिष्ठा कम हो जाती है। जिस घर में बोतल आई समझ लेना हमारा परिवार नीचे जाएगा क्योंकि पहला बोतल में जो शराब होता है वह व्यक्ति पहला पीता है और बाद में शराब उस व्यक्ति को पीती है और उसी के द्वारा पूरा परिवार उनका जो वंश का गौरव है सब समाप्त हो जाता है किसके पीछे शराब के पीछे। और विज्ञान ने कहा है कि एक बार शराब पीने वालों की आयु 25 मिनट कम हो जाती है। और माँ
और पत्नी का अंतर मालूम नहीं होता शराबी को। कुत्ते भी कभी कभी उनके ऊपर गंदगी करके जाते हैं। गांव की शेट इधर, साहूकार इधर, गटर दग इधर, गटर में बैठे कौन साहूकार? अब साहूकार है क्या? अब कुत्ता घन गंदगी कर रहे के ऊपर। तो इसीलिए शराब से बचे, क्योंकि शराब के कारण ही जीवन, हम महाभारत कहीं पढ़ते हैं द्वीपायन मुनि आदि का, द्वारिका जली शराब के पीछे। एक हमने चित्र देखा था, एक व्यक्ति शराब पीकर घर के घर में गया है, बच्चे पिताजी को पैर पकड़े हैं, रो रहे हैं। पत्नी सौभाग्यवती है, वो डर रही है और वह हाथ में बोतल है और उन्होंने मंगलसूत्र को हाथ ऐसा पकड़ा है और वो कहती है मेरा ये की है, क्यों छीन रहे? वो कहता है मैं नहीं जानता, लेकिन मंगलसूत्र भी बेच रहा है उस एक घूंट के पीछे। इसीलिए हमें जानना है कि शराब व्यक्ति पीता है लेकिन पूरा परिवार समाप्त हो जाता है इसके पीछे। अब इसी बच्चे देख रहे हैं तो कल वही काम तो करेंगे। इसीलिए शराब से बचे, और शराब कहते नशा आ जाती है, और नशा में व्यक्ति को क्या क्या हो जाता है कि धर्म छोड़ जाता है, अर्थोपार्जन छोड़ जाता है और स्वास्थ्य उसका बिगड़ जाता है, खून की उल्टियां होने लगती है, पूरा शरीर खराब हो जाता है और शराब वो बाद में इतना हो जाता है कि व्यक्ति उसी में मर जाता है। कहीं दिनों तक पड़े हुए रहते हैं लोग, क्योंकि अब उन्होंने शराब नहीं पिया, शराब ने उसको पी लिया है। और इसीलिए आपके बच्चे शाम को कहाँ जाते देख लेना थोड़ा सा। आपने पैसे कमा के रखा है, ढाबे पर जाता है शाम को। इसलिए सावधान रहो, कुल की परंपरा जब तक निर्वेशनी परिवार नहीं तब तक वो कुल अच्छा माना ही नहीं। उच्च गोत्र और नीच गोत्र कौन? जिसमें जिस परिवार में सप्त व्यसन होता है वो नीच कुल है, और जो कुटिया में रहता है लेकिन व्यसनों का सब त्याग है वो उच्च कुल माना जाता है। और इसीलिए व्यसनों से बचे। व्यसन कहते नशा कहते ही हमारा मन तंबाकू की ओर जाता है। तंबाकू में 4000 तत्व है, तंबाकू में 24 विष है और 42 प्रतिशत ऐसे पदार्थ है जिसके द्वारा कैंसर होता है। विज्ञान ने बताया, मैं नहीं बताया। तो ये तत्व कैंसर हो सकता है और 4000 उसमें तत्व है और 24 विष बताया है तंबाकू में। और इसीलिए, और ये याद रखना, ये बच्चे हैं ना गुटखा खाते, वो कहते हम सबको भटका रहे, लेकिन वो गुटखा खाने वाले क्या करते मैं बताता हूँ। और तंबाकू कहते बीड़ी सिगरेट आ गया, तो एक बीड़ी या सिगरेट के पीछे 17 मिनट आयु कम होती है। कितनी? डॉक्टर अफ्रीका के डॉक्टर स्पेंस, इन्होंने लिखा है कि एक बीड़ी या सिगरेट के पीछे 18 मिनट आयु कम होती है। अब देखो, अब महाराष्ट्र में 1993 की कभी एक बुलेटिन निकला था, वहाँ एक व्यक्ति ने जाहिर किया था कि एक गुटखा की पुड़ी खाना और 25 सिगरेट पीना एक जैसा है। तो एक सिगरेट के पीछे 17 मिनट आयु कम, अब 25 सिगरेट ओढ़ना और एक गुटखा की पुड़ी खाना एक जैसा है, इतना हानि है गुटखे की पुड़ी के पीछे। और हमारा कहना है आपके बच्चे जो शराब पीता है गुटखा, तो इसको देओ नहीं, वो बीच में चला जाएगा और उसको रोना पड़ेगा। हमने देखा है शिरगुप्पी में आकर 27 साल में बच्चे चले गए 3-4 हमारे सामने, और उसमें जैन समाज के हैं, अन्य भी समाज के होंगे। तो ये लोग शादी किया, छोटे छोटे दो बच्चे हैं,
एक है, किसी को दो है और चला गया वो, क्यों? व्यसनों के कारण चला गया। लेकिन अब वो जीवन भर वो लड़की क्या करेगी, वो बच्चे क्या करेंगे? इसलिए जो व्यसनी है गरीब रहने दो, हमने विवाह के दिन बताया था इस बात को, गरीब होने दो लेकिन निर्व्यसनी होना चाहिए। और करोड़पति है रात को ढूंढना पड़ता है, उसको नहीं देना चाहिए। अपन क्या होगा जीवन उसका? तो इसीलिए वे शराब से बचे, तम्बाकू गुटखा से बचे, तब काम हो सकता है। और शराब से बचे और वेश्यागमन, वेश्यागमन करने वाला व्यक्ति आचार्य पद्मनंदी विश्वति में लिखते हैं कि वेश्या का उपमा दिया है, धोबी जाता है ना कपड़े धोने के लिए, धोबी के जो कपड़े धोने का जो पत्थर रहता है वो वेश्या का उपमा दिया है हमारा आचार्य। जहां धोबी जाकर कपड़े धोता है, कपड़े किनके? सौकर के, सबके धोता है, सबकी गांव की गंदगी धोता है कौन? धोबी। और वहां का उस घाट का पानी कैसा रहता है? गंदा रहता है। जो वेश्या के पास जाता है वो गंदे घाट का पानी पीता है, ऐसे आचार्य ने लिखा, याद रखना है अपने को। धर्म समझना है, जीवन को पहले पवित्र बनाना, बाद में धर्म को प्राप्त कर सकते। जब तक सप्त व्यसनों का त्याग नहीं होता तब तक आप धर्म कर्म कर ही नहीं सकते। और वह पैसा जब तक है तब वेश्या पूछती है, जिस वक्त आपका पैसा निकलेगा वो आपको भी निकाल देगी। धन और संपत्ति के कारण उसका प्रेम रहता है, इसलिए आचार्य ने कहा है कि वह धोबी का पत्थर है, जिस घाट पर धोबी धोता है वो पूरी गांव की गंदगी धोता है, तो वो पानी बहता रहता है, तो वो पानी इतना गंदा रहता है। और वहां जाते हैं जो लोग वेश्या के पास, तो कहते हैं कि उस गंदे घाट पर पानी पीने के लिए जाता है साहूकार, पैसे ज्यादा है। लेकिन क्या बताया हमने, भूत ये शब्द बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आज हमें बताना पड़ेगा क्योंकि हमने जागरण किया है। जागरण की जो सप्त व्यसन किया है लोगों ने, उस वक्त वेश्यागमन भी किया है, जुआ खेला है, शराब पिया है, क्या नहीं किया है, सब किया है। इसलिए मुझे आज बताना पड़ा, इसलिए हमने कहा कि जागते रहो, इसलिए हमने आज विषय लेना पड़ा मुझे, उठो जागो और जानो अपने को। और जानने के लिए हमें उस सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में जाना पड़ेगा। और वह शिकार, और ये भी याद रखना, जो उसकी धन प्रतिष्ठा के भी नाश हो जाता है और नरक का गामी बताया। और एक उदाहरण बताया आचार्य महाराज ने पद्मजी, वो उन्होंने बताया कि कुत्ते के सामने जब कोई चीज रहती है, कपड़े या कुछ, उसमें कुछ वस्तु है, तो क्या करता है, एक कुत्ता जाके खाता है तो दूसरा कुत्ता छीनता है, तो उसी तरह वेश्या के पास ही जाते। क्या उदाहरण दिया आचार्यों ने हमारे, तो एक वस्तु है कुत्ता खा रहा है तो दूसरा कुत्ता अगर उसको खींचने की कोशिश करता है, उसी तरह वेश्या के पास एक जाता है तो दूसरा खींच लेता है। कुत्ते की उपमा दी है वेश्या के पास जाने वालों के लिए हमारे आचार्य ने। इसीलिए कहते हैं आपको जिस दिन शादी हुआ है उस वक्त नियम दिया है, क्या सप्तपदी में कहता है कि मैं परस्त्री का और जुआ नहीं खेलूंगा, मदिरा पान नहीं करूंगा। शादी के समय नियम लिया था आपने, मालूम है क्या? नहीं तो आप बताते नियम ले लो। सप्तपदी में सात नियम इनके, उनके साथ नियम ये बताया है कि आपको त्याग करना है। तब वो कहती है कन्या आप इसको त्याग करेंगे तो हम छह फेरी हुई है सातवीं फेरी मार्ग में डालूंगी, ये आपको मंजूर है तो, नहीं तो मैं छह हुई है मैं अभी भी घर जा सकती हूँ, ऐसा कहा था। लेकिन भूल गए किसके पीछे, धन के पीछे। और धन के पीछे यानी अर्थ के पीछे अनर्थ किया और परमार्थ को भूल गया। अर्थ आया था धर्म करने के लिए और हमने अर्थ का अनर्थ किया। और आपने क्या कमाया, संसारी इकट्ठा करता है क्या, पाप। क्या करता है, पाप इकट्ठा करता है। पुण्य कितने लोग कर्म कर, कितने लोग कमाते बता दो, कितने लोग पूजन करते हैं, कितने लोग दान करते हैं, कितने लोग जिनेंद्र भगवान के चरणों में आकर अपने दोषों को बार बार बताकर अपने
उस गलती को स्वीकार करते हैं तो ऐसे वह वेश्यागमन से दूर होना चाहिए। और बाद में कहते हैं शिकार, वो हिरनी हो या हिरन हो, लेकिन मात्र उनका शरीर ही उनका धन है। पशुओं का शरीर ही धन है, हमारे पास धन दूसरा है। तो ऐसे धन होने के पास शरीर आदि धन को भी वो रक्षा करना चाहते, और ये संसारी प्राणी उनके पीछे रहकर उनको मार कर शिकार करता है और शिकार करके उनको मार देता है। और ये करते वह निष्पाप रहता है, वह डरता रहता है। पशु किससे डरता है? मनुष्य से डरता है। अभी समय नहीं तो वहाँ एक कुरान में बहुत अच्छी बात है कि संत राबिया होकर गए, वो एक दिन बैठे थी तो पशु पक्षी उसके शरीर पर खेल रहे थे। खेलते खेलते बीच में से सब पशु उठ गए तो सामने से व्यक्ति उन्होंने पूछा कि संत राबिया मुस्लिम समाज में सबसे बड़ी संत हो गए जिन्होंने अहिंसा का प्रचार किया। तो वो पूछा गया कि मैं आने के बच्चे ये क्यों गए पशु पक्षी आपके ऊपर खेल रहे थे? तो कहते जो खूंखार रहता है उसे पशु डरते, आपको देखकर ये पशु भाग गए। हम अहिंसा, मैं शाकाहारी हूँ इसलिए पशु मेरे पास बैठे थे, आप मांस खाते इसलिए पशु दौड़ के गए, ऐसा उन्होंने लिखा। और आप लोग शिकार नहीं करते, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ आप भी करते शिकार सौंदर्य प्रसादन। आप खरीदते लिपस्टिक इसलिए पशु को मारते हैं, आपको शैम्पू खरीद करते हैं इसलिए पशु को मारते हैं, आप ब्याग सेंट आप लगाते हैं उसके आंखों में पानी आया और आपको सुगंधी आने लगी, उसके नाभि में उसको बोरी में डाल के मारा जाता है, बार बार मारने के बाद उसमें नाभि में से ग्रंथियों में से स्राव होता है रस, तो उसको इकट्ठा करके सेंट बनता है, उसको मारा गया और आपने सुगंध ले गई, क्या बताया आपको? और उसकी चमड़ी निकाल दिया कोमल कोमल और आपने ब्याग लेकर मार्केट में चले गए, उसको चमड़ी उसकी निकाल दिया, उसको वेदना हुई, उसके कहीं टनों टन पानी गरम डाल दिया और चमड़ी को अलग किया और उस चमड़ी को आपने चप्पल पहन लिया, और जिन्हें तो भगवान के दर्शन को आते हैं चप्पल पहन के, कितना पाप है। तो इसीलिए हमारे कहना शिकार आप नहीं करते। जो लोग सौंदर्य प्रसादन का उपयोग करते हैं वो भी शिकार करते हम कहेंगे, जब तक त्याग नहीं करते तब तक। और चोरी आपको मालूम ही है कि अदत्ता दानव से बिना दिए वस्तु को नहीं लेना चाहिए, उसको चोरी बोलते हैं। वह एक वाल्या धीवर था, वो चोरी करता था और चोरी करते करते एक दिन एक संत मिल जाते, तो संत कहते क्या करे कि व्यक्ति को लोग उनके पास के वस्तु को छीन के बाद में उसको मारता था और रांझन भरता था कि हमें रांझन भरना है और भरता था। तो एक दिन संत पहुँचते हुए कहते किस लिए पाप कर रहे, मैं करूँगा। तो कहते आप चोरी करते पाप करते किस लिए? परिवार के लिए। लेकिन पूछ लो उनको कि आपके पाप में कौन कौन भागीदार है। तो वह वाल्या धीवर चला जाता है और पत्नी को कहता है मैं जो पाप कर रहा हूँ चोरी जो कर रहा हूँ उसमें कौन कौन भागीदार? वो कहते ना मैं आका, हम क्यों तैयार रहेंगे उसमें, आप लाओ हम बनाएंगे, कहाँ से लाते हम नहीं जानते, पाप आप कमा दो लेकिन हम तो घर में बैठ के खाएंगे, हम पाप में भागी नहीं, आप पैसे लाते उसमें हम भागीदार आए। कहते ही उस धीवर को समझ में आ गया और संत में चरणों में आकर प्रायश्चित ले लिया और वही वाल्या से वाल्या वाल्मीकि ऋषि बन गए। जब उठो जागो जानो, ये जानने के बाद वाल्या भी वाल्मीकि ऋषि बन गए और ये चोरी का त्याग होना चाहिए। और अंत में परस्त्री गमन, परस्त्री का गमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं परस्त्री करने वाला व्यक्ति संसार में कोई कीमत नहीं दे सकता उसको। और ये भी याद रखना पाप छुपा के करते जाओ उजाले में आएगा,
कर्म ही आपको विधाता है, वही उजाले में ला सकता है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि परस्त्री का, क्योंकि स्वधार संतोष जिस दिन शादी होती है उस वक्त पति पत्नी को पहला नियम लेना चाहिए और दिया जाता है कि एक ही हमारा जीवन में पति एक ही रहेगा। और पत्नी भी कहती है, ये पति भी कहता है कि जीवन में एक ही पत्नी है, इसके अलावा संसार में हमारा कोई भी और कोई नहीं, क्योंकि स्वधार संतोष इसके हमारे आचरण में रत्नकर श्राव वचन आचार्य समर्थ महाराज कहते इसको कहते स्वधार संतोष। स्वधार संतोष इसको कहा जाता है कि अपनी स्त्री में जो संतोष रहता है उसको स्वधार संतोष कहते हैं। और इसीलिए दोनों को त्याग होना चाहिए, जब दोनों का त्याग हो जाएगा तब संसार अच्छा होता है। घर का भोजन कब अच्छा नहीं लगता, जब ढाबे पर भोजन करता है तब। तो घर के लोग अच्छे क्यों नहीं लगते, जब दूसरी जगह जाता है तब। तो समझ में आ रहा है। तो इसीलिए वो वेश्यागमन का त्याग होना चाहिए। और कहीं लोगों का प्रश्न है, महाराज वेश्यागमन और परस्त्री दोनों क्यों रखा, दोनों एक जैसे रखते। लेकिन आचार्य ने बताया कि वेश्यागमन और परस्त्री में अंतर इसलिए है कि वेश्या वहां कोई मालिक नहीं रहता, पैसे से होता है, इसलिए उसको वेश्या कहा। और परस्त्री उसको कहा कि जिसका पति है और जिसकी जो लड़की है वह अधिकारी उसके ऊपर जो रहता है उसको परस्त्री कहा। तो परस्त्री और वेश्यागमन में यही अंतर है। दोनों इसलिए रखा क्योंकि आचार्य कहते हम वेश्यागमन का त्याग सेव करवाएंगे तो परस्त्री का सेवन करेगा, और परस्त्री का सेवन का त्याग करवाने कहेंगे तो वेश्यागमन करेगा। तो आचार्य कहते स्वधार संतोष में वेश्यागमन का भी त्याग होता है और परस्त्री सेवन का भी त्याग होता है। तो ऐसी विद्या सुदर्शन शेठ की कहानी आती है। वह रानी उनको अष्टमी और चतुर्दशी की थी, वहाँ नग्न होकर ध्यान करते थे और यह व्यक्ति जब उसको रात को उसी नग्न अवस्था में कपड़े ये करके दासियाँ उसको लेकर जाती महल में 24 घंटे तक उसके साथ ऐसे व्यवहार करते, लेकिन वह सुदर्शन सेठ कभी प्रभावित न हुआ। रानी गांव की राजा की पत्नी इतनी सुंदर थी और सुदर्शन सेठ पर प्रभावित हुई थी और उसको वहाँ स्मशान भूमि से लाया था और बहुत पुरुषार्थ किया, लेकिन सुदर्शन सेठ जैसे स्टैचू रहता है वैसे शांत रहे, कुछ नहीं किए। और इसका कारण आचार्य बताते एक कारण था, स्वधार संतोष का उनका व्रत था। एक पत्नी के बिना संसार में हमारे कोई भी नहीं, ये उनका नियम था। और ये है हमारे श्रावक की बात है, उस सुदर्शन सेठ की बात है। और इसीलिए हमें उस बात को याद रखते हुए रावण की याद आती है। रावण ने क्या किया, दूसरे के स्त्री के ऊपर सिर्फ दृष्टि रखी और दृष्टि के कारण उसके भाई छूट गए, पुत्र मर गए, नाती मर गया, किसके सिर्फ सीता के ऊपर दृष्टि रखा, सीता को अपनाया नहीं। जब ऐसे लोगों को दूसरे के ऊपर दृष्टि रखने के बाद इनका इतना आहित होता है और इनको कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, परस्त्री सेवन नहीं किया लेकिन परस्त्री के ऊपर सिर्फ दृष्टि रखा और इसी के कारण पूरा लंका क्या हो गई, जल गई, पूरे सब भाई विभीषण छूट गए, सब छूट गए, पुत्र मर गए, नाती मर गए और यह समाप्त हो गया एक दृष्टि के पीछे। और वह है परस्त्री के ऊपर दृष्टि रखने से। तो इसीलिए हम बुरी नज़र नहीं रखते हुए लक्ष्मण की बात आती है। हमने उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन बताया था कि वह लक्ष्मण ऐसे थे अपने भाभी को कभी चेहरा उन्होंने ज़्यादा नहीं देखा था। उनको पूछा गया था जब उनको हरण किया गया था तो कहते हैं राम देखो ये कान का कुछ मिला, ये उनका है क्या, वो कहते मालूम नहीं, ये गले का हार है ये सीता का है क्या, वो कहते मालूम नहीं, ये यहाँ कुछ बाजू में कुछ था वो भी था वो दिखाई, वो कहते मैं नहीं जानता है, वो कहते ये तो सीता का है, वो कहते मैं नहीं जानता। जब बाद में पैर का जो बिछुआ कहते हैं सौभाग्यवती का माना जाता है, जब वो दिखाते तब कहते हाँ ये सीता जी का है। तो पूछा जाता है क्यों आपने नहीं देखा, मैंने
हर समय उनके चरणों को देखा था, इसलिए मैं इसको जानता हूं। ये है दृष्टि की बात। रावण की दृष्टि और लक्ष्मण की दृष्टि में कितना अंतर है, और यह सप्त वैष्णों को याद रखना है अपने को। सप्त वैष्णों के द्वारा अपना कब्रस्तान मत खोलो। सप्त वैष्णों के द्वारा 84 लाख योनि को द्वार खोला मत करो, और सप्त वैष्णों के द्वारा अपना आहित मत करो। आपका तो हो रहा है, लेकिन परिवार का भी हो रहा है, पीछे सब परेशान है। कब आता है मालूम नहीं, घर कौन सी स्थिति में आएगा पता नहीं, चिंतित है, छोटा बच्चा रोता है। इसलिए हमने कहीं बच्चों को जिनको वैष्णव तो उसको त्याग करवाया, उनको हम यही कहा, देखो वैष्णव का त्याग करो, आपके लिए नहीं बच्चों के लिए त्याग करो। आपकी जरूरत नहीं है हमें, लेकिन बच्चों को आपकी हमें चिंता नहीं, हमने कहा, लेकिन बच्चे और जो आपके घर वाली है उसकी चिंता है जैन दर्शन को, क्योंकि आप ऐसे चले जाएंगे तो वो भी बिगड़े हुए जाएंगे और बाद में घर श्मशान बन जाएगा। उच्च कुल भी सप्त वैष्णों के द्वारा नीच कुल बन जाता है, और ऐसे वैष्णों से दूर होते हुए जागरण करो, लेकिन जागरण के दिन पाप मत करो। सबसे ज़्यादा पाप करते हुए, और हमें विश्वास है आज हमने जो बातें बताई उसको सब लोग जानेंगे, और जो नहीं आए उनको भी बताएंगे, क्योंकि जितना आप पाप किया है आपको ही चुकाना पड़ेगा। जो बोता है उसको काटना पड़ेगा। तो खेती के बाद हमने प्रारंभ किया था कि जिस तरह जीवन पवित्र हुए बिना धर्म का मर्म मालूम नहीं होगा, तो उसी तरह जब तक खेत साफ नहीं होगा तब तक हम बो नहीं सकते। उसी तरह जब तक हम वैष्णों से सप्त वैष्णों का त्याग नहीं करते तब तक हमारा जीवन उज्ज्वल नहीं बन सकता, और अपना हित अपने में हाथ में, दूसरों के हाथ में कुछ भी नहीं है। वैष्णी बनता है, और आपका वर्तमान का जो युवा वर्ग है, जो वैष्णी है, वह चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश किया था, लेकिन बाहर आने का रास्ता अभिमन्यु को पता नहीं था, तो उसी तरह आज के जो युवक जो वर्ग है, जो वैष्णी लोग हैं, वो इतने अंदर चले गए, लौटना मुश्किल है। हाँ, लौट अभिमन्यु नहीं लौटा, लेकिन आप लौट सकते। कब लौटेंगे? उठो, जागो और जानो, और उनके चरणों में जाओ कि जिन्होंने अपने आत्म तत्व को प्राप्त किया है वो सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में जाएंगे, तो हमें विश्वास है कि आप भी महान बनेंगे। जीवन बनाना बिगाड़ना दूसरों के हाथ में नहीं, हमारे हाथ में रहता है, और इसीलिए अग्नि मिलती है। कई लोगों का कहना है संपत्ति मुझे मिले मैं उपयोग करूँगा, नहीं करना चाहिए। संपत्ति मिली है धर्म करने के लिए, तो अगर आप कहेंगे पैसा मेरा है मैं भोगूंगा, तो हमें बताना, घर में अग्नि है, अग्नि का उपयोग किस लिए किया जाता है? मक्खन जलाने के लिए? अग्नि का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए किया जाता है, बाकी का अग्नि सुरक्षित रखा जाता है। उसी तरह धन मिला है, लेकिन धर्म करने के लिए मिला है, दूसरों को और अपना जीवन को जलाने के लिए नहीं मिला। पानी मिला है, लेकिन पानी किस लिए मिला है? प्यास को बुझाने के लिए मिला है, पानी में डूबने के लिए नहीं मिला है। तो इसीलिए इस मर्म को समझें, और मर्म को समझने के बाद अपने जीवन को उज्ज्वल बनाएं, और ये भी याद रखना भविष्य को उज्ज्वल देखना है तो वर्तमान को सुधारो, और जिसका वर्तमान सुधर जाएगा हमें विश्वास है उसका भविष्य भी सुधर जाएगा। तो अपना, अपने परिवार का, अपने मोहल्ले का, अपने गांव का, अपने तहसील का, अपने जिले का, अपने राज्य का और अपने देश का कल्याण करना है और करके लेना है, और सबको सुजलम सुफलम हमें देखना है,
और सबको सुख शांति से हम देखना है तो ये ही करना है कि वह सप्त वेशों का त्याग करके कि आप लोग उठो जागो और जानो और अपने आत्मा का विकास करें, इसी भावना के साथ महावीर भगवान।